हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं इंदौरी इन ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो है फ्रेंड्स कि क्या आप 12th के बाद ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं यहाँ बैचलर्स करने या डिप्लोमा कोर्सेज के लिए, क्योंकि फ्रेंड काफी सारे लोगों ने मुझसे पूछा था और ये वीडियोस में स्पेशली 12th के बाद जो भी स्टूडेंट्स आने वाले हैं उनके लिए बना रहा हूं, ताकि वो किन कोर्सों पे ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं और उसमें कितनी फंडिंग लगती है और क्या प्रोसेसर रहता है। तो फ्रेंड ये वीडियो पूरा देखें, ये वीडियो में मैं आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो जो भी लोग 12th के बाद ऑस्ट्रेलिया आने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर जो भी लोग अभी 12th क्लास में जो स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया आने का सोच रहे हैं तो वो ट्राई करें कि 12th में उनके काफी अच्छे परसेंट हो, 60 अब हो तो एटलीस्ट हो, तो उनको काफी फायदा हो सकता है। फ्रेंड अगर आपकी अभी एग्जाम चल रही है तो उसको अच्छे मार्क्स से क्लियर करें, उसके बाद साथ ही आप इंग्लिश की एग्जाम जो IELTS होती है या PET होती है उसकी प्रिपरेशन चालू कर लें। और फ्रेंड एक एम बना लें कि जो भी आप किसी भी फील्ड के हो, आप साइंस के हो, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, उसके बाद आपको कौन सा कोर्स करना है। तो फ्रेंड कोर्स तो आप अपने हिसाब से डिसाइड करें, क्योंकि आपको उस फील्ड में आगे जाना है तो वो मैं आपको नहीं बता सकता कि कौन सा कोर्स करना चाहिए। बट हाँ, जो टॉप ट्रेंडिंग कोर्स है उनका मैं सारा लिंक ये आपको पूरा रिटर्न में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो साइंस वालों के लिए, आर्ट्स वालों के लिए और कॉमर्स वालों के लिए जो भी अभी ट्रेंडिंग में कोर्सेज है, मैं चार चार पांच पांच सबके नाम दे दूंगा, तो आप पूरा डिस्क्रिप्शन चेक करें। तो फ्रेंड आप ट्राई करें कि जल्द से जल्द अपनी IELTS क्लियर कर लें, उसके बाद जैसे ही आप अपना कोर्स और अपनी यूनिवर्सिटी डिसाइड कर लेते हैं तो फ्रेंड फिर आप अपना ऑफर लेटर्स के लिए अप्लाई करें, जैसे ही आपका 12th का रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि आप ये सारी चीजें प्रॉपर पहले ही प्लान करके रख लेंगे तो सिर्फ आपका रिजल्ट आते ही आप ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करें। और फ्रेंड जिस भी यूनी में जाना है वो यूनी आपको कैसे सिलेक्ट करना है उस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, तो और आपको किस रीजनल एरिया में आना है या ऑस्ट्रेलिया में कहां आना है उस पर भी वीडियो बना चुका हूं, तो वो वीडियो आप जरूर देखें। जो भी टॉप 4 रीजनल एरिया है तो आप वो देख लें, और यूनिवर्सिटीज में काफी सारी बता चुका हूं। तो ये फ्रेंड आपके जो बेसिक क्वेश्चंस होंगे इस पर मैं पूरे वीडियोस बना चुका हूं, तो वो वीडियो आप देख लें, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। उसके बाद फ्रेंड ऑफर लेटर्स आने के बाद अपना जो भी मैंने आपको बताया कि आपको फंडिंग का इंतजाम करना पड़ेगा वो तो आपके पेरेंट्स कर देंगे। अगर आपको लोन लेना है तो उस पर भी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं कि आपकी लोन की प्रोसेस क्या है, तो वो सारी चीजें देख लें। उसके बाद फ्रेंड जो क्वेश्चन रहता है सबसे ज्यादा कि 12th के बाद आप यहां आकर वर्क कर सकते हैं एज अ पार्ट टाइम, तो हाँ फ्रेंड आप यहां वर्क कर सकते हैं। और 12th के बाद जो आते हैं फ्रेंड उनकी एज 19 से कम होती है, तो उनको यहां पर हंगरी जैक्स, मैकडी और जो भी फ्रेंचाइजीज होती है उनको वहां इजीली जॉब मिल जाती है, अगर उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है तो। क्योंकि फ्रेंड्स आपकी एज कम होती तो आपका जो पे रेट होता है वो एज कम्पेयर टू अदर्स बहुत कम होता है, इस वजह से आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है। तो जो भी अभी कुछ मेरे फ्रेंड्स आए थे वो बैचलर्स 12th के बाद आए तो उनकी जॉब इजिली मिल गई है, बट जो अभी मास्टर्स के लिए आए उनको जॉब्स नहीं मिली क्योंकि उनकी एज ज्यादा है तो उनका पे ज्यादा होता है, तो उनका जो पे होता है अप्रोक्स 25-24 होता है, इस वजह से उनको जॉब नहीं मिलती है। बट जो 12th के बाद आते हैं, जो बैचलर्स के लिए आते हैं, उनका पे बहुत कम होता है, जो कि होता है $17-18 होता है, तो इस वजह से उनको ज्यादातर कंपनियां उनको प्रीफर करती है कि भाई बच्चों को रख लो जैसे मैकडी और हंगरी जैक्स में, तो उनको पे कम देना पड़ता है। तो फ्रेंड आप जॉब कर सकते हो 20 आवर्स और आपको काफी सारी जॉब मिल जाती है। और अगर किसी के पास कोई स्किल्स होती है, जैसे कि मैं वीडियोस बना चुका हूं कि कुछ स्किल्स आती है, तो आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स आप आपको बता दूं कि आप फीस वगैरह कैसे पे कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट, तो फ्रेंड वो जो फीस वगैरह होगा वो सारा आपको आपके पेरेंट्स ही पे करेंगे, आप पे नहीं कर सकते। या फिर आपको एक फॉरेक्स कार्ड रहेंगे, आप उससे उसको अपनी जो भी फीस वगैरह है वो पे कर सकते हैं। उसके बाद में मतलब आप पहले फर्स्ट टाइम में तो आपका बैंक डायरेक्ट पे कर सकता है, और इंडिया से बैठ के ऑस्ट्रेलिया में आपकी जो सेमेस्टर की फीस होती है वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या आप एक फॉरेक्स कार्ड ला सकते हैं इंडिया से, उससे आप अपनी फीस पे कर सकते हैं। तो फ्रेंड आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, तो आपके जो जनरल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपकी सारी मार्कशीट्स लगेगी, आपका पासपोर्ट लगेगा और आपके जो नॉर्मल आईडी यूज होती है वो लगेगी, प्लस आपके फादर और जो भी जिसके नाम पे आप अगर लोन ले रहे हैं या जो पैसा शो कर रहा है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो आपको ये नॉर्मल सारी चीजें मैं पहले और बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं, तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स और इसकी लिस्ट वगैरह आप देख लें, और बाकी डिस्क्रिप्शन चेक करें, मैं डॉक्यूमेंट्स की और टॉप ट्रेंडिंग कोर्स की और टॉप यूनिवर्सिटीज के नाम दे दूंगा और बहुत सारों पर वीडियो बना चुका हूं।
तो फ्रेंड ट्वेल्थ के बाद आने का जो सोच रहे हैं तो उनके जो मैंने थोड़ी बहुत प्रोसेस बताई है वो कर लें। उसके पहले फ्रेंड्स आप ट्राई करें कि आप अपनी आईएलटीएस एग्जाम क्लियर कर लें जो सबसे बेसिक होती है, और अगर आपके 70% होते हैं तो हो सकता है कि आपको आईएलटीएस का वेवर ऑफ मिल जाए। अगर आपके इंग्लिश बहुत अच्छी होती है तो आप विदाउट आईएलटीएस अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो इंग्लिश में मार्क्स होते हैं काफी अच्छे होते हैं। या इससे अच्छा बेस्ट अगर आप अपनी आईएलटीएस निकाल लें तो वो भी ज्यादा अच्छा, उसमें आपके वीजा चांसेस हो जाएंगे। तो फ्रेंड ये था पूरा प्रोसेस, मैं आपको बहुत कुछ बता चुका हूँ इसमें, और ऑलरेडी वीडियो बने इसलिए मैं आपको इसमें ज्यादा कुछ बता नहीं पाया, क्योंकि लोन का वीडियो बना है और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कैसे कोर्स सिलेक्ट करना है, कैसे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है, सारी चीजें आपको मैं बता चुका हूँ। तो बस आप अपनी एग्जाम क्लियर करें, अच्छे मार्क्स लाएं और सारी चीजें अप्लाई करें, और जो भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो भी 12th क्लास के बाद आके कैसा क्या करना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं और अधिकतर मैं सभी लोगों को रिप्लाई करता हूं। तो फ्रेंड यही जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के जॉब और सारी चीजों से रिलेटेड, उसके बाद आपको यहाँ बैचलर्स के बाद आप मास्टर्स कर सकते हैं, तो वो फ्रेंड बात की बात है, पर अगर उस पर भी मैं कभी इन फ्यूचर वीडियोस बनाऊंगा तो इससे आपका काफी सारा डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो फ्रेंड ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें जो भी इस चैनल पे नए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जब तक के लिए राम राम।